हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी के काफी फॉर्मूले निकाल करके बताए थे, जैसे ई के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी के फॉर्मूले से भी आप लोगों को डिस्टेंस के फॉर्मूले से भी काइनेटिक एनर्जी के कई फॉर्मूले निकाल करके बताए थे और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे कि काइनेटिक एनर्जी किस किस में होती है। बहते हुए पानी में होती है, ठीक है, थ्रोइंग बॉल में होती है। और आज की इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी की, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है, उसके फॉर्मूले निकाल करके बताएंगे, डिपेंडेंस बताएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले लास्ट जो वीडियो में स्टॉप किया था उस वो फॉर्मूला था पी इक्वल टू अंडर रूट टू एम ई के, अंडर रूट टू एम ई के, यहां पर राहुल सर ने लास्ट वीडियो में स्टॉप किया था। इसके बाद आप लिखिएगा थस वी सी डेट, हम देखते हैं कि इसमें चार पॉइंट लिखने हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा ए बॉडी कैन नॉट हैव मोमेंटम, लिखिएगा ए बॉडी कैन नॉट हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी नहीं रखती है तो उसमें मोमेंटम भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मोमेंटम है पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू एम ई के, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो मोमेंटम नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम होगा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा फॉर ए गिवन बॉडी मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एम, ओके। इसे रेड डब्बे में बंद कर दीजिए। और फोर्थ पॉइंट लिखिएगा फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसके लिए जो आएगा मैं आप लोगों को बता दू पी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, ठीक है। इसे भी आप बॉक्स में कर दीजिए बंद। तो चार पॉइंट हो गए, ठीक है। पहला तो ए बॉडी कैन नॉट हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। सेकंड पॉइंट पी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई के काइनेटिक एनर्जी। थर्ड पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एम। और फोर्थ पॉइंट है पी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। यहां पर आकर के आपके ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इनको मैं रफ कर देता हूं और इसके बाद हेडिंग डालें पोटेंशियल एनर्जी, ओके। हेडिंग डालें काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया राहुल सर ने, हेडिंग डाले पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डाल दिया आपने पोटेंशियल एनर्जी, बहुत अच्छी, ठीक है। अब देखिए किसी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी तो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी में मोशन के कारण जो प्रोड्यूस एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि बॉडी के जो जो एनर्जी है पजेस्ट बाय बॉडी बाय वर्चू इट्स पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन के कारण जो स्थिति पैदा होती है, जो एनर्जी बनती है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द एनर्जी, लिखिएगा इट इज द एनर्जी, क्या लिखा, इट इज द एनर्जी पजेस्ट पी ओ डबल एस ई डबल एस ई डी, इट इज द एनर्जी पजेस्ड, ओके, बाय द बॉडी, बाय द बॉडी बाय वर्चू वी आई आर टी यू ई, ठीक है। तो क्या लिखा, इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजिशन, ऑफ इट्स पोजिशन, ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पीई का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एम जी एच, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। इसे कर दीजिए आप डब्बे में बंद, ओके। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो राहुल सर बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी के काफी एग्जाम्पल है, जैसे पानी स्टोर रहता है तालाबों में, आपको पता है पानी स्टोर रहता है, ठीक है,
और स्प्रिंग कंटेन्स करती है, तो इसमें लिख सकते हैं वाटर स्टोर्ड, ठीक है, स्टोर्ड वाटर, इसमें लिखेगा STORED, स्टोर्ड वाटर, STORED, स्टोर्ड वाटर इन द रिजर्व, RESERVOIR, इन द रिजर्वोयर कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड एग्जांपल लिखिएगा, जो एनग्लोटेड स्प्रिंग कंटेंस है, एनग्लोटेड, ठीक है, ELON लिखिएगा, ELONG, एनग्लोटेड GATED, एनग्लोटेड स्प्रिंग, क्या लिखा, एनग्लोटेड स्प्रिंग कंटेंस पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड एग्जाम्पल लिखिएगा आप लोग कि एक जैसे तीर होता है ना, तीर का मान सुना है, तो उसे बोलते हैं बो, STRETCHED, ए स्ट्रेच बो, BOW, बो का मतलब तीर का मान, ठीक है, कंटेंस, बो का मतलब होता है तीर का मान, कंटेंस पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, ए स्टोन लाइन ए स्टोन लाइंग ऑन द माउंटेन कंटेन, ए स्टोन लाइंग ऑन द माउंटेन कंटेन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा, लिफ्टेड वेट, LIFTED, लिफ्टेड, WEIGHT, लिफ्टेड वेट कंटेंस पोटेंशियल एनर्जी। जो वेट उठाते हैं, ठीक है, हम जब वेट उठाते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी कंटेन होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आ जाइए, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसके भी तीन टाइप है। आपने आज तक सुना नहीं होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के भी टाइप होते हैं क्या, तो आज सुन लीजिए आप, पोटेंशियल एनर्जी के भी तीन टाइप होते हैं। तो लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज हैविंग थ्री टाइप्स, डैश लगा दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी के भी तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशनल होती है, इलास्टिक होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है। तीन होते हैं, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल, GRAVETATION, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड लिखिएगा, इलास्टिक, ELASTIC, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और थर्ड लिखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, STATIC, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या क्या लिखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब हेडिंग डालें आप, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग डाल दें एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी का निकाल करके बताया था, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा, एक बॉडी लेते हैं, लेट्स कंसीडर, ठीक है, एक बॉडी लेते हैं जिसका मास एम है, ए बॉडी ऑफ मास एम, ओके, लेट्स कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम विच इज रेज टू ए, विच इज रेज, RASED, विच इज रेज्ड टू ए, ठीक है, हाइट HEIGHT, हाइट कितनी है उसकी, एच, विच इज रेज्ड टू ए हाइट एच अगेंस्ट ग्रेविटी, AGAINST, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना, फुल स्टॉप। यानी कि एक बॉडी है जिसका मास एम है, जो कि एच हाइट तक जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा, फोर्स
रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर ई डी, तो क्या लिखा, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी इक्वल्स टू, कि जो फोर्स है किसी बॉडी को लिफ्ट करने में कितने फोर्स की आवश्यकता है, तो इसमें लिखिएगा एम जी। ठीक है, किसी बॉडी को लिफ्ट करने में कितने फोर्स की आवश्यकता है, एम जी। तो देखिए नीचे हेयर कॉमा लगा दीजिए, डिस्टेंस जो है वो एस इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, एच। डिस्टेंस मतलब एस इक्वल्स टू एच हो जाएगी, तो नीचे लिखिएगा वर्क डन, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एफ एस होता है, ठीक है ना, एफ एस। तो एफ की जगह रख दें एम जी और एस की जगह रख देंगे एच, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी एच हो गया। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा दिस वर्क डन, ठीक है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, तो पी ई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी एच। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, और इस पे लगा दें डबल स्टार। ओके, चलें आगे, तो इससे क्या क्लियर होता है, थस नीचे लिखिएगा थस इट इज क्लियर डेट, सी एल ई ए आर क्लियर डेट। इससे भैया क्या क्लियर होता है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बॉडी की, अगर किसी सरफेस से आप गिराओगे ऊपर से नीचे से, तो वो जीरो हो गई हाइट। ठीक है, तो यानी कि आप पॉइंट लिखिएगा, इसमें मैं लिखवा दू इट इज क्लियर डेट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा द पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस, एल वाई आई एन जी, लाइंग ऑन द सरफेस, अगेन आई रिपीट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ इज जीरो, ये क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज, ठीक है, लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जीरो बिकॉज, क्यों, क्योंकि हाइट क्या है, इक्वल टू जीरो है। ओके, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हाइट जीरो हो गई, सेकंड पॉइंट लिखिएगा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, लिखिएगा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, कि किसी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी, जब हाइट बढ़ेगी, इंक्रीजेज, ठीक है, कब इंक्रीज होगी, एज द हाइट, एच ई आई जी एच टी, द हाइट ऑफ बॉडी, ठीक है, जो बॉडी की हाइट है वो अर्थ के सरफेस से इंक्रीज हो, फ्रॉम अर्थ अपोस्टिक एस सरफेस इंक्रीजेस, ठीक है ना, फुल स्टॉप, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस एज द हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, यहां से रफ कर देते हैं राहुल सर, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं राहुल सर, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की, तो लिखिएगा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी कब डिक्रीज होगी, डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीजेज कब डिक्रीज होगी, एज इट फॉल्स, एफ ए डबल एल एस, जब वो क्या नीचे गिरेगी, ठीक है, टुवर्ड्स सरफेस, ठीक है, तो किसी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज होगी एज इट फॉल्स टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, चलें आगे की तरफ नीचे, ठीक है,
अब देखिए नीचे लिखिएगा फॉर, हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए कुछ बताना चाहते हैं राहुल सर, तो देखिए इसके फॉर्मूले बता देते हैं। फर्स्ट लिखिएगा द ग्रेविटेशनल तो हेडिंग डाल दी फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इसमें लिखे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाइट, ठीक है, ऑफ द बॉडी एट हाइट, ठीक है ना, h इक्वल्स टू एम जी एच, सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू TWO, टू चार्जेज CHARGES, ठीक है, इक्वल्स टू, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस ये कितनी हो जाएगी, V इक्वल्स टू लिखिएगा चार्जेस, ठीक है ना, इसको हटा करके लिखिएगा V इक्वल्स टू 1/4πε0। क्या लिखा 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square। ओके, पूरा फॉर्मूला है, क्या है V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ब्रैकेट में लिखे Q1 Q2 upon R square। ओके ठीक है, वेयर नीचे लिखिएगा वेयर 1/4πε0 इक्वल टू क्या है, ये कांस्टेंट है, ये तो क्या है कांस्टेंट आ गया आपके, ठीक है, और Q1 Q2 R ये क्या है चार्जेज है CHARGES, ये क्या है चार्जेज है Q1 एंड Q2, ठीक है। आगे देखिएगा R डिस्टेंस है चार्ज के बीच में, ठीक है, एंड R क्या है, R इज द डिस्टेंस, ठीक है, R क्या है डिस्टेंस है, किसके बीच की डिस्टेंस है, ये बिटवीन चार्जेज CHARGES। ओके, तो Q1 Q2 चार्जेस है, R क्या डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में, ठीक है। थर्ड लिखिएगा, दो पॉइंट हो गए, थर्ड लिखिएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ स्ट्रेच STRETCHED स्ट्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी खिंची हुई स्प्रिंग के लिए वो कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 1/2 kx² क्या हो जाएगी, 1/2 kx² वेयर k क्या है, लिखिएगा k इक्वल्स टू तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्लियर है, कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स हो गया। x क्या हो गया, एंग्लोशन, ठीक है, इसमें लिखिएगा एलोंगेशन, जैसे मैंने पहले लिखवाया था एलोंगेटेड, ठीक है, इसमें लिखिएगा एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है, इन द स्प्रिंग। ओके, क्लियर है, तो यानी कि एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। अब आ जाइए, आपको यूनिट करवा देते हैं राहुल सर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है वैसे तो बताते हैं जूल ही होती है सारी, ठीक है ना, तो आगे लिखिएगा रिलेशन बिटवीन किलोवाट एंड जूल, ठीक है, यूनिट तो लिख ही दीजिएगा, इसमें यूनिट जो हो जाएगी यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हेडिंग डाल दो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जो होती है एक तो किलोवाट भी होती है, ठीक है, कमर्शियल यूनिट, और वैसे देखें तो जूल होती है, ठीक है, इस पर लिख दीजिए जूल, JOUL, ठीक है, जूल होती है। अगली हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन किलोवाट एंड जूल, हेडिंग डालें
एक लाइन का गैप दे करके रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किलोवाट के डब्ल्यू, किलोवाट आवर एच ओ यू आर, किलोवाट का मतलब के डब्ल्यू, आवर एच ओ यू आर, ये हो गया किलोवाट आवर, एंड जूल। तो राहुल सर आप लोगों को किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताएंगे। तो एक किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ये हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा 1 किलोवाट आवर, ठीक है, मैं बिल्कुल हिंदी की तरह बता रहा हूं। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, यही होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे का मतलब क्या है कि 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट, ओके। तो देखिए 1 किलोवाट को मैं केडब्ल्यू लिख सकता हूं, इक्वल टू 1000 वाट होता है, इसका मतलब क्या होता है 1000 वाट, ठीक है। तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट आवर, 1 केडब्ल्यूएच, किलोवाट आवर को केडब्ल्यूएच भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि 1000 वाट, ठीक है, फॉर 1 आवर, ठीक है। तो यानी कि 1 केडब्ल्यूएच का मतलब 1000 वाट फॉर 1 आवर। तो नीचे लिखिएगा बट 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है ना, ध्यान रखना। 1 वाट में कितना होता है, 1 जूल बटे 1 सेकेंड होता है, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो इधर देखिएगा 1 आवर में कितने होते हैं, 1 आवर इक्वल टू ये होते हैं 60 × 60 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 60 × 60 सेकेंड ये होते हैं 1 आवर में, 60 × 60 सेकेंड। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, इसे रफ कर देता हूं, बाकी का यहां बताऊंगा मैं। तो देखिए 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड हो गए, तो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 1 किलोवाट में लिखेंगे 1000 वाट × 60 × 60 सेकेंड, ठीक है, 1000 वाट × 60 × 60 सेकेंड, यानी कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना हो गया, 66 36 00 और 000, ठीक है, जूल। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल हो जाएगा 3.6 × 10⁶, क्या लिखा, 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज, ओके, स्टार लगा दीजिए और इसको रट लेना, बिल्कुल डबल स्टार लगा दो इसको, ठीक है, इसको याद कर लेना ये वैल्यू को, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, न्यूमेरिकल में हमें आवश्यकता होगी, ओके। इसके बाद चलते हैं हम एनर्जी कन्वर्टर्स पर, ठीक है, यहां पर ये खत्म होता है, यहां पर स्टॉप होता है ये टॉपिक। अगला लिखो एनर्जी कन्वर्टर्स, ये आपका टॉपिक नहीं है बुक का, बट फिर भी मैं बता देता हूं, इन फ्यूचर आप ध्यान रखना, कन्वर्ट, ठीक है, एनर्जी कन्वर्टर्स, ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है एनर्जी कन्वर्टर्स, फिर भी राहुल सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, तो इन फ्यूचर आप इनको याद रखना, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि कौन सी एनर्जी को कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो लिखते जाइएगा इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, फर्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है कौन सी एनर्जी में बदलता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, कौन सी एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, लिख लो अभी, तो
MECHANICL, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सेकंड पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक मोटर के बाद और भी इक्विपमेंट्स लिखवाएंगे राहुल सर। इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस करने की आयरन होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, इलेक्ट्रिक बल्ब है थर्ड पे, इलेक्ट्रिक बल्ब। इसके बाद लिखें आप फोर्थ नंबर पे रेडियो। ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब वही है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में, सेम है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ये आपको 8th क्लास में भी बताई होगी हीट एनर्जी। देन लाइट एनर्जी, राहुल सर ने 8th क्लास में भी आप लोगों को बताई होगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, फिर भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी, देन लाइट एनर्जी, रेडियो इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, रेडियो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन सी एनर्जी में बदलता है, काइनेटिक एनर्जी। देन साउंड एनर्जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, देन साउंड एनर्जी। आगे चलेगा, रेडियो के बाद आ जाइए आप 5th नंबर पे, स्टीम इंजन, STEAM, स्टीम इंजन, ENGINE। इसके बाद आ जाइए 6th नंबर डालिए, ठीक है, कार का इंजन, कार इंजन, ENGINE, ठीक है। तो देखिए, स्टीम जो भाप वाला इंजन चलता था पहले, वो किसको बदल देता था, हीट को काइनेटिक एनर्जी में, हीट एनर्जी को किस में बदल देता था, काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। ओके, आगे चले, कार इंजन जो है सबसे पहले आप पेट्रोल डीजल से चलाते हैं, तो कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी से